नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं नमिता गोखले, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अंग्रेजी की जानी मानी लेखिका हैं, उनकी पुस्तक अंधारी के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक द ब्लाइंड मैट्रियार्क के नाम से पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है, जिसे पेंगविन ने छापा है। हिंदी में अंधारी के नाम से जो पुस्तक आई है उसका प्रकाशन राजकमल पेपरबैक्स ने किया है। हिंदी अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है। गुलजार नमिता गोखले की लेखनी के बारे में कहते हैं कि नमिता गोखले की जो कहानी कहने का जो अंदाज है उसका कोई सानी नहीं है। जब भी उनकी किताब वो उठाते हैं तो हमेशा यही एहसास होता है कि वे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि नमिता गोखले को सुन रहे हैं। अंधारी को पढ़ते हुए मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि यह पुस्तक अनुवाद के रूप में आई है, इसकी भाषा का जो सहज और सरस प्रवाह है वह अंग्रेजी में जिस तरह से, वैसे हिंदी में नहीं है। अनुवाद के बावजूद प्रभात रंजन अच्छा अनुवाद कर लेते हैं, भावांतर कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में द ब्लाइंड मैट्रियार्क जो कहना चाहती हैं नमिता गोखले, जिस तरह से, जिस भाषा शैली में कहना चाहती हैं, उस रूप में हिंदी की किताब पढ़ने में कहीं कहीं उलझन होती है। बावजूद इसके, इसका कथ्य इतना सधा हुआ है, इतना सटीक है और इतने विराट फलक पर फैला हुआ है कि इसे पढ़ने में आपको निश्चित रूप से एक आनंद आए। यह कहानी, इस उपन्यास की कहानी एक ऐसी बुजुर्ग महिला की है जो अपने अतीत और अपने वर्तमान और अपने भविष्य तीनों को एक साथ लगभग जीने की कोशिश कर रही होती है। वह परिवार की मुखिया है, अपने जीवन के संघर्ष उसके हैं। इसी दौरान कोविड काल लग जाता है और कोविड काल के दौरान, अपने बच्चों की परवरिश के दौरान, उसके पति से जो उसके मतभेद होते हैं, जिस तरह से वह रईस कुल की महिला अपने परिवार को समझौती है और तीन पीढ़ियों का वितान उसके सामने खुल जाता है। बावजूद उसके कि वह, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, उसकी प्रज्ञा उसे अपने पोतों, अपने परिवार के दूसरे जनों, यहाँ तक कि पेड़ पर घायल चिड़िया, पेड़ से गिरी हुई घायल चिड़िया जो पड़ोसी के आंगन में होती है, उसकी भी पुकार को सुन लेती है। और उसकी जो अपनी निजी नौकरानी है, वह कई बार यह लगता है कि ऐसा तो नहीं कि यह जो अंधी माता हैं यह इस बात का नाटक कर रही हैं कि उनको दिखाई नहीं देता है। दिल्ली का एक परिवार है, कोविड काल है, कोविड काल का संकट है। उस परिवार में जो सदस्य हैं, दो बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी ने शादी नहीं की है, वह अपने को जनसेवा में समर्पित रखती है, लोगों को खाना खिलाने में उसे सुकून मिलता है। जो एक बेटा है उसका एक पालित पुत्र है, पालित पुत्र का मतलब जो अपने दोस्त, और जो दोस्त दंपति हैं उनके मृत्यु के समय उसने उनके बच्चे को एडॉप्ट कर लिया है, उस बच्चे का अपना जीवन है। उस दौरान एक पति पत्नी जो दूसरा बेटा है, वह उसकी पत्नी अपने को इस परिवेश में नहीं ढाल पाती है। इस तरह से जो परिवार के आपस के संघर्ष नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तीनों मंजिलों में जो फैला हुआ रक्त संबंध है, उस परिवार का हिस्सा तोता भी है, चिड़िया भी है, नौकर भी है, नौकरानी के साथ आया हुआ उसका अपना जो भतीजा है वह भी है, और यथार्थ के घने संबंधों की जो बुनावट है, वहाँ जो सपने हैं, जो आर्थिकता है, जो रिश्ते हैं, वह एक खुद मुख्तार महिला ने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की और उनको चरित्र और स्थितियों से लड़ने के लिए सबल बनाया, इस कथानक पर यह उपन्यास बुना गया है। इतने बेहतर ढंग से, बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। खास बात यह है कि इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष नहीं है। बावजूद उसके जब आप इस उपन्यास को पढ़ते जाते हैं तो मातंगी माँ के बहाने आप सभी को
दिल्ली में जो कुछ घट रहा होता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोरोना के दौरान जो कुछ घट रहा होता है, लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह से रईस आदमी दक्षिण दिल्ली में रहने वाला इससे प्रभावित होता है, और लोगों के जनजीवन पर क्या कुछ बीत रहा होता है, यहाँ तक कि किशोर वय के जो बच्चे हैं उस परिवार के, उनके मन में क्या कुछ घट रहा होता है, यह सब कुछ इस पुस्तक को एक अलग तरह की पुस्तक बनाता है। अंधारी को निश्चित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि नमिता गोखले अपनी तरह की इकलौती ऐसी लेखिका हैं जो प्रकृति को भी मनुष्यता के साथ इस कदर बुन देती हैं कि आपको लगेगा कि आप उसी परिवेश में जी रहे हैं, उनके पात्रों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और उस मातंगी माँ जो अंधारी की नायिका हैं, जो अंधी हैं, बावजूद उनके बंद आँखों से भी इस खुली दुनिया में जो कुछ भी बेहतर हो सकता है उसका स्वप्न पाले हुए हैं। यह कहानी बेहद उम्दा ढंग से शुरू होती है, वे बच्चे को सहलाते हुए उसको पहचानने की कोशिश करती हैं और उसको चॉकलेट देती हैं जो उनका पोता होता है, और यहाँ से कहानी शुरू होती है, और अंत में मातंगी माँ के निधन के बाद उनके जो पड़ोसियों का जो निधन होता है, और जो हर पात्र हैं, हर पात्र के लिए नमिता गोखले ने अलग से आखिरी में उपसंहार में एक अध्याय दिया है जिसमें इस उपन्यास के जितने भी पात्र हैं उनके जीवन में क्या कुछ उत्तर कथा के दौरान घटता है उनका जिक्र है, जिनमें शांता हैं, समीर हैं, राहुल है, ये सब मुख्य पात्र हैं, अगस्त सेन हैं जो पड़ोसी हैं, अन्ना सेन हैं, शांता के अपने जीवन में, यह सब कुछ इस उपन्यास को एक उम्दा उपन्यास बनाता है। आप अगर अच्छी कृतियों के शौकीन हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो द ब्लाइंड मैट्रियार्क को पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप अंधारी को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अनुवाद मैंने पहले ही बताया है, जिस रूप में भावांतर इसका होना चाहिए, कहीं कहीं खटकती है बात, अदरवाइज यानी पूरा भाषा प्रवाह जो है वह कहीं से भी कोई दिक्कत पैदा नहीं करता, ऐसा नहीं कि आप अर्थ समझने में कोई आपको गुरेज होगा, तो इस उपन्यास को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है, मूल्य पेपरबैक संस्करण का 250 रुपये है। पेंगविन ने जिस पुस्तक को प्रकाशित किया है उसका मूल्य हार्ड बाउंड संस्करण का 599 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों की जानकारी मिल सके और आप उनका चुनाव, अपनी पसंदीदा पुस्तकों का चुनाव कर सकें। पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दें। धन्यवाद।